पहले मैं होती बलोच पताना गुश्त करने के होती छुकाना ये इजाज़त विधियाँ क्या होती छुक दे में बेवाना चाहे जब इंसान जनक वाणी गुरा इंसान या कौम पे बीते जैसे कि भले साइंटिस्ट आ रहा गुश्त के या तो मैंने एजुकेटेड माँ थे बता मंत्र एजुकेटेड कौम है आप मुझे एक एजुकेटेड माँ दें और मैं एजुकेटेड पूरी नेशन दूंगा जी। वती बलोच कौमे पित और माता नंगुशी वती वती माइंडा पॉजिटिव पिकनी वती चुपकाएदा राह बिदाई और इदा वानक और सख शर्रें और वती वती नेगेटिव सोचा गार पिकनी और वती जनक का नदर पिकनी ताकि आईनी वानक और आईनी सोच इधर शर भी बीते अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी थी जो बलूचिस्तान में तालीम दोस्त जो पॉलिसियां बन रही हैं उसके हवाले से। बलूचिस्तान में पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया गया था चंद हफ़्तों कबल, तो आज मैं आया हुआ हूँ तुरबत गर्ल्स कैडेट कॉलेज और आज मेरे मेज़बान भी बहुत स्पेशल हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से मेरी बहनें हैं जो कि यहाँ पर गर्ल्स कैडेट कॉलेज में एज ए स्टूडेंट हैं, तो आज हम उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और बताते भी हैं कि बलूचिस्तान से कौन से इलाकों से हैं और हम देखते हैं कि इन बच्चों के क्या इमोशंस हैं कैडेट कॉलेज में एडमिशन के बाद। तो ये कहानी हम ज़रा स्टार्ट करते हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदीका गनी। और कहाँ से? मैं कलात से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपका नाम क्या है और कहाँ से? मेरा नाम आयशा अब्दुल जब्बार है और मैं गवादर से ताल्लुक रखती हूँ। आपका नाम क्या है और कहाँ से? सफिया वजीर फ्रॉम खारान। सईदा नाजबी फ्रॉम तुरबत। अलीजा हफीज़ फ्रॉम बसीमा वाशुक। मेरा नाम बीबी नायाब है, मैं पंजगूर से हूँ। मदीना इब्राहिम फ्रॉम पंजगूर। ओके, तो ज़रा चलते हैं, आ जाएँ ज़रा, मैं अपना कॉलेज जो है जो विज़िट भी करवाएँ। ये बताएं कि आप किस तरह से आए हैं यहाँ पर, जो जहाँ से इलाके से किस तरह से सिलेक्ट होके आए हैं? सर, मेरा पोजीशन पाकिस्तान में थर्ड आया है एंड ये मेरा ड्रीम था जो आज ट्रू हो गया है, इट्स ट्रूथ नाउ। और सबसे खुशगवार बात है यहाँ पर दूसरे सूबों की भी बच्चियाँ आई हुई हैं लेकिन जो मोस्टली हैं वो हैं बलूचिस्तान से। जो हमारे वहाँ हमारे इलाके में इतना बड़ा कॉलेज और स्कूल नहीं थे कि हम यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि हम अदर्स एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं। हम यहाँ स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ साथ हम स्पोर्ट्स भी सीख रहे हैं, हमारी डिसिप्लिन भी हम सीख रहे हैं और यहाँ सबसे बढ़कर हमारी जो पढ़ाई है ना वो बहुत अच्छी चल रही है। पहले मैं होती बलोच पताना गुश्त करने क्या होती छुकाना ये इजाज़त विधियाँ क्या होती छुक दे में बेवाना चाहे जब इंसान जनक वाणी गुरा इंसान या कौम पे बीते जैसे कि भले साइंटिस्ट आ रहा गुश्त के या तो मैंने एजुकेटेड माँ थे बता मंत्र एजुकेटेड कौम है। आप मुझे एक एजुकेटेड माँ दें और मैं एजुकेटेड पूरी नेशन दूंगा जी। वती बलोच कौमे पित और माता नंगुशी वती वती माइंडा पॉजिटिव पिकनी वती चुपकाएदा राह बिदाई और इदा वानक और सख शर्रें और वती वती नेगेटिव सोचा गार पिकनी और वती जनक का नदर पिकनी ताकि आईनी वानक और आईनी सोच इधर शर भी बीते। अच्छा, जो लोग नहीं जानते ना, जो लोग आपको देख रहे हैं ना, जो बलूचिस्तान की लड़कियों के हवाले से उनको नहीं पता, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि बलूचिस्तान की जो बच्चियाँ हैं कि वो आएँ और एडमिशन लें? ओके, आप क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ आएँ, मेहनत करें, यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे हमारी पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ भी हमारी होती हैं, हमारी स्पोर्ट्स होती है, पीटी होती है, ड्रिल होती है, कुकिंग क्लासेस, स्टिचिंग क्लासेस, हर चीज़ होती है, हर कोई आए। आप इतनी एक्टिव कैसे हैं? ज़रा ग्वादर से हैं और आपने क्या बनना था, आपने क्यों बनना है, वो जो आपका एम है? क्योंकि मेरी जो अम्मी है और मेरे अबू है वो मुझे इस यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं। मैं अपनी फैमिली की वो वाइट लड़की हूँ पहली जो मैंने आर्मी में आर्मी ज्वाइन की है, मैं आर्मी स्कूल क्रेडिट कॉलेज में पढ़ रही हूँ। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ये इस तरह की सूरत हाल है जो लोग नहीं देखते कि बलूचिस्तान में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में फ़ीमेल एजुकेशन के हवाले से क्या सूरत है। आपके सामने हैं जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुरबत की ये जो बच्चियां हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, वो किस हद तक इंस्पायर्ड हैं और किस हद तक वो मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहती हैं और ये यक ज़ुबान हैं कि बलूचिस्तान के दूसरी अपनी दोस्तों के लिए, बहनों बेटियों के लिए और सभी को कह रहे हैं कि आप आएँ तालीम में आगे आएँ। और सिर्फ ये मुझे बता दें, आप तालीम के मैदान में पूरे पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं?
सर इसके बाद मेरा इरादा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करूँ वुमेंस को। और यहाँ पे लड़कियों को बहुत अहमियत दी जा रही है, लड़कियों की हर चीज़ों को बराबर की जा रही है। सर मुझे PMA जाना है। सर मैं यही कहना चाहूँगी, मैं जब यहाँ से फारिग हो जाऊँ तो मैं वैसे CS करना चाहती हूँ और वहाँ पे DC का फील्ड है और मैं चाहती हूँ कि मैं सारे गरीबों की मदद करूँ। सर मैं यहाँ से जब फारिग होके जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं मेडिकल करूँगी। इंशाल्लाह बलूचिस्तान की ये जो बेटियां हैं आगे जाएंगी, पूरे मुल्क में तालीम में मुकाबला करेंगी और पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।